वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच एस क्र इस वीडियो में हम यू यानी यूनाइटेड अरब एमरेट्स में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के बारे में बात करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके साथ किस रीजन एरिया या स्टेट में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स ईजीली मिल सकती हैं देन वी विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन के बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब और एंड ऑफ द वीडियो में हम जॉब सर्च ऑप्शंस और सीवी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम अवेलेबल जॉब ऑप्शंस की बात करते हैं तो यू में ऑयल एंड गैस में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स अवेलेबल हैं इसी तरह से फैसिलिटी मैनेजमेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स अवेलेबल हैं इसी तरह से हमारे पास होटल्स बिल्डिंग्स या फिर हाई राइज जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं अब हम इसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट माइट भी एक न्यू वर्ड हो तो जो भी हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट की एक प्रॉपर टीम होती है जो कि कोई भी ब्रेकडाउन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं अब उस जो टीम होती है उसमें एक सुपरवाइजर भी होता है कुछ मकैनिकल का स्टाफ होता है इसी तरह से डिफरेंट लाइक प्लम्बर होते हैं इलेक्ट्रिशियन होते हैं तो उस टीम के साथ भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर और सुपरवाइजर जो होते हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाता है तो इसे हम फैसिलिटी मैनेजमेंट की जॉब कहते हैं बेसिकली अब हम देखेंगे विच रीजन आर स्टेट इज बेस्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको जॉब ऑप्शन के बारे में बताया इसी वीडियो के स्टार्ट में पहले ऑप्शन के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू द रीजन आर स्टेट ये जॉब ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं जैसा कि यू में अगर आप जाना प्लान कर रहे हैं तो दो बेसिक आप रीजन या स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं जिनमें अबू धाबी है और इसी तरह से हमारे पास दुबई है अगर आप अबू धाबी को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ऑयल एंड गैस की जॉब्स मिल सकती हैं ऑयल एंड गैस के फील्ड में जॉब्स मिल सकती हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हो सकती हैं या फिर प्रोसेसिंग सेक्शंस भी हो सकते हैं इनमें आपको जॉब्स मिल सकती हैं लेकिन अगर आप दुबई की बात करेंगे तो डेफिनेटली जैसा कि आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर होटल्स हैं वहाँ पर हमारे पास शॉपिंग मॉल्स हैं तो इनमें आपको जॉब ऑप्शन एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर मिल सकती है और सेकंड मेजर ऑप्शन वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो यूजुअली क्या हो रहा होता है कि वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स ही कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं डिफरेंट विलाज बन रहे होते हैं तो उनमें आपको एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब मिल सकती है तो सिंपल इज दैट वी कैन कंक्लूड अगर आप दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहां पर हाई राइज होटल्स हैं जैसा कि बुर्ज खलीफा है दुबई मॉल है एमरथ मॉल्स है वहां पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं या फिर जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की वहां पर जॉब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ऑन द अदर हैंड अगर हम यू ए में दुबई दुबई को छोड़ते हुए अबू धाबी रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑयल एंड गैस की जॉब्स मिलती हैं और स्पेसिफिकली अबू धाबी में अल अल्फरा रीजन जो है जहाँ पे हबशान और रवेस वगैरह का एरिया है उस रीजन में हबशान और रवेस में मैक्सिमम प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनमें हमारे पास एडनॉक के प्लांट हैं ब्रूज के प्लांट हैं फर्टल के प्लांट हैं इसी तरह से हमारे पास तकरीर का प्लांट है तो वहाँ पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की शटडाउन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब्स मिल सकती हैं अब ऑन द अदर हैंड अब जब हम क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तब हम दुबई और अबू धाबी स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्सेज को भी डिस्कस कर लेंगे और उनको भी हम डिटेल में देख लेंगे कि हमने कौन कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज जो हैं उनको प्रेफर करना है इन ऑर्डर टू गेट द जॉब इन अबू धाबी आर दुबई इन सिंपली वू कैन से दैट इन यू तो सिंपल इज दैट हमने यह यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि दुबई या फिर अबू धाबी में अगर आपने टारगेट करना है तो अकॉर्डिंगली टारगेट करना है कि आपने ऑयल एंड गैस में जाना है या फिर आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना है या फिर आपने जो हमारे पास फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसमें जाना है तो अकॉर्डिंगली आपने अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपने किस सेक्टर किस फील्ड को चूज करना है आफ्टर दैट मूविंग टू द क्वालिफिकेशन तो यू में टू बी वेरी ओनेस्ट स्पेसिफिकली स्पीकिंग के जो वहाँ पर कॉम्पिटिशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा है यू में बहुत ज्यादा लोग जो है वो यू की तरफ रुख करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब के लिए सो इसी वजह से वहां पे कंपटीशन जो है डिमांड एंड सप्लाई होती है जब सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड कम होती है तो कंपटीशन अल्टीमेटली बढ़ जाता है सो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आर फॉर मोर हायर देन अदर गल्फ कंट्रीज एटलीस्ट आपके पास मतलब कि जो बेस्ट प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में अगर आप किसी भी जो एच से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या अगर किसी और कंट्री से है आपके पास एटलीस्ट इंजीनियरिंग लेवल की डिग्री होनी चाहिए उसके साथ आपकी बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिफिकेशन जिसमें निबोश आ जाता है जिसमें ओशा आयोश आ जाता है ये बेस्ट पॉइंट्स हैं लेकिन फिर भी अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है आप फ्रेशर हैं आपके पास ओशा आयोश निबोश भी है फिर भी आप स्टार्ट में स्ट्रगल करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब को फाइंड आउट करने के लिए सो बी प्रिपेयर फॉर दैट और अगर आपके पास लेवल सिक्स की क्वालिफिकेशन है जिसमें हमारे पास ऑथम लेवल सिक्स है एन वी क्यू लेवल सिक्स है आई डी लेवल सिक्स है या फिर ए एस पी लेवल सिक्स है इसी तरह की क्वालिफिकेशन हैं अगर आपके पास और इवन आप फ्रेशर भी हैं तो वो आपको एज देंगी सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर यू ए इफ यू आर प्लानिंग फॉर दुबई और अबूदाबी एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ऑयल एंड गैस फील्ड इन यू ए देन यू मस्ट हैव गुड क्वालिफिकेशन एटलीस्ट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साथ में आपके पास इन हैंड होना चाहिए आपके पास वोश आई जी सी का सर्टिफिकेट ऊषा का सर्टिफिकेट आईओ का सर्टिफिकेट एंड साथ में आपके पास लेवल सिक्स अगर है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आपके पास लेवल सिक्स नहीं है तो आपके पास किसी भी जी सी सी कंट्री का गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब कि अगर आप गल्फ रिटर्न हैं तो डेफिनेटली वो भी चीज़ आपको एज करेगी जॉब फाइंड आउट करने में यू ए में अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे पास रीजन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है अगर हम दुबई की बात कर लेंगे तो वहां पर एक सार्थ के नाम से एक सर्टिफिकेट है अब सार्थ बेसिकली एब्रीवेशन एफ सेफ्टी एडवाइजर रजिस्ट्रेशन स्कीम यह दुबई में अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एंटी जिसमें हमारे पास एयरपोर्ट्स आ जाती है जिसमें हमारे पास ऑयल डिपूज आ जाते हैं जिसमें सप्लाई यार्ड्स आ जाते हैं हमारे पास जिसमें पोर्ट्स आ जाती हैं अगर आपने इन किसी भी रीजन में काम करना है तो आपके पास सार्स का सर्टिफिकेट होना ये भी ऊषा थर्टी आवर की तरह का सर्टिफिकेट होता है ये हमारे पास दुबई स्टेट की तरफ से ये मतलब के डिज़ाइन किया गया है और प्रोवाइड किया जाता है तो ये आपके पास होना जरूरी है अब इसको अक्वायर करने के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी कंपनी इसके लिए अप्लाई करेगी और उसके बाद आपका टेस्ट होगा और आप सार्स का सर्टिफिकेट जो है वो अटेन कर सकेंगे ऑन द अदर हैंड अगर हम अबू धाबी की बात करें तो वहां पे ओषाद ओ एस एच ए डी जो कि हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ इन अबू धाबी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए सेम ओशा थर्टी आवर की तरह का ये भी सर्टिफिकेट है यू ए में स्पेसिफिकली अबू धाबी और दुबई में अगर आपने गवर्नमेंट किसी भी एंटिटी या गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनी के साथ काम करना है तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कंक्लूडिंग आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास निबोश आईजीसी होना चाहिए लेवल सिक्स है तो आपके पास प्लस पॉइंट है अगर आपको किसी भी इन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिकली लेवल सिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस कि आप किस तरह से इनको अटेन कर सकते हैं किस कोर्स के क्या प्लस पॉइंट्स हैं किस कोर्स के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं ताकि आप जब फील्ड में जाएँ तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो आपके पास एटलीस्ट आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कम्प्लीट हो आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो आपकी प्रोफाइल अपडेटेड हो और आपको जॉब सर्च करने में या जॉब हंट करने में स्पेसिफिकली यू में कोई प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे जॉब सर्च के बारे में तो जॉब को हम किस तरह से बेसिकली सर्च कर सकते हैं अब सिंपल इज दैट जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ जॉब सर्चिंग था वो अभी ख़त्म हो गया जिसमें क्या होता था कि आप सीवीज प्रिंट करते थे डिफरेंट कंपनीज में जाते थे डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाते थे जाके अप्लाई करते थे और सीवी ड्रॉप करते थे ये जो किस्सा है अभी करंटली यू की मार्केट में बिल्कुल फेड हो गया बिल्कुल ख़त्म हो गया ऑब्सलीट हो गया है अब वहां पर आप किस तरह से जॉब हंड कर सकते हैं तो स्पेसिफिकली आपके पास एक अच्छी तकड़ी लिंकड की प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी वेल डिज़ाइन प्रोफेशनल सी आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद लिंकड के अलावा आप कौन कौन से अदर पोर्टल्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास नौकरी गल्फ आ जाता है ग्लास डोर आ जाता है और कुछ इन वेबसाइट्स की पेड सब्सक्रिप्शन भी होती हैं जो आप उनसे ले कर एक मंथ के लिए दो मंथ के लिए अपना पेड जो है मतलब खुद से एड भी ऑन कर सकते हैं कि आपको ये इस तरह की जॉब चाहिए रिक्रूटर जब खुद भी सर्च करेंगे तो आप जॉब सर्च में भी आ जाते हैं सो यू हैव टू हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्ड इन गुड प्रोफाइल ऑन ग्लास डोर गुड प्रोफाइल ऑन नौकरी गल्फ ये सारी चीजें आपने अगर आप अ, मतलब किसी और रीजन से यू में मूव कर रहे हैं तो आपने प्रीलिमिनरी ये पहले से कर लेनी है एंड आफ्टर दैट कंपनी वेबसाइट्स इज द मेन सोर्स फॉर गेटिंग द जॉब अगर कंपनी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं आपको आइडिया है कौन कौन सी कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं उनकी जॉब वैकेंसीज यूजली उन्हीं की वेबसाइट्स के ऊपर ओपन होती हैं वहां से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और यह भी एक और एक प्रॉपर सोर्स है जॉब सर्च करने के लिए UAE में एंड आफ्टर दैट ऑन द एंड वी कैन से दैट रेफरेंस बेस्ड जॉब अगर आपका कोई बंदा ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है आपका आपके लिंक में कोई बंदा काम कर रहा है तो आपको उस कंपनी में एडजस्ट करवा सकता है सो इफ यू हैव एनी फैसिलिटी लाइक दैट आपका कोई रेफरेंस है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर लेवल पे इंजीनियर लेवल पे आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जॉब को हंट करने के लिए सो मेन थिंग इज़ आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए बेसिक इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए देन यू कैन मूव फॉर द जॉब इन द गल्फ स्पेसिफिकली यू मार्केट सो सिंपल इज दैट यू की मार्केट आजकल बड़ी टफ है यू की मार्केट में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसके बाद वहाँ पर डेफिनेटली जब आप जॉब सर्च आउट करेंगे तो इंटरव्यू में वो आपसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जिनमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं उसके बाद आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की स्किल्स आ जाती हैं तो अगर आप यू में जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हों और आप इजीली जा कर चीज़ों को वहाँ पे ग्रैब कर सकें मेंटेन कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम आपको साइड के ऊपर ना आए और ना ही मतलब आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करें सो दैट्स ऑल अबाउट यू जॉब्स Uh, जितना भी डाटा मैंने आपको बताया मैक्सिमम चीज़ें उनके लिए इंजीनियर साकब जावेद जो कि ऑलरेडी यू में काम कर रहे हैं एज आ हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहे हैं फोर टू फाइव से ये यू में है तो मैक्सिमम चीज़ों की रिसर्च में इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सो थैंक्स फॉर मिस्टर इंजीनियर साकब जावेद ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग हेल्पफुल कॉन्टेंट सो आई हैव स्प्रेड द वर्ड्स एंड आई आई ट्राई टू हेल्प द एनी कैंडिडेट एनी स्टूडेंट हु इज़ विलिंग टू मूव इन द यू ए फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब So that's all from my side. Uh, thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel.